थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री शॉर्ट फॉर्म में अगर आप कहें तो 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री शॉर्ट फॉर्म में 3D। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3D। छोटा सा अपना नहीं, छोटा था नहीं बेटा, बन गया छोटा क्योंकि सिलेबस में से काफी कुछ रिड्यूस हो गया। देखो जरा जल्दी थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो बच्चों पिछली उसमें हम पढ़ के आए हैं वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्या होता है। कोई वेक्टर इसको हम लिखते हैं आई जे के आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। वेक्टर में आ जाओ इधर वेक्टर में जो ए बी सी थे इनको हम क्या कहते थे, कंपोनेंट ऑफ स्केलर कंपोनेंट ऑफ आई, स्केलर कंपोनेंट ऑफ जे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ के। ठीक है, यहाँ पर हम इन्हीं को एक नया नाम दे देंगे, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। प्लूरल क्या बनेगा डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का प्लूरल रेशियो नहीं होता। चलो एनीवे इंग्लिश के तो नंबर हमारे कटेंगे नहीं, ठीक है। चलो तो ये वेक्टर है, वेक्टर में जो आई जे के जो कंपोनेंट है उन्हें हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है एल, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इसका बताओ। तो इनिशियल और पहले इसका वेक्टर बनाना पड़ेगा। हाँ, पहले इसके ओरिजिन से वो नहीं, दोनों साइड से वो करना पड़ेगा। बच्चे यूं समझ लो सर पंखा चलाओ, कोई नहीं है चुप हो जाओ, एक नंबर पे चला लो ठीक है सर। ये देखो मैं ये लाइन यहाँ बना देता हूँ पैरेलल, उसके ओरिजिन से पास करती हूँ एक लाइन पैरेलल टू दिस, ठीक है, पैरेलल टू दिस। एक्स एक्सिस के जितना ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है उतना ही ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, सॉरी ये वाला, ठीक है। जितना ये लाइन वाई एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है ये वाली लाइन, उतनी लाइन ये y एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। जितना ये z एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगी ये भी z एक्सिस के साथ उतना ही इंक्लाइंड है, तो ठीक है। तो l क्या होगा, l होता है cos ऑफ अल्फा, ठीक है। l क्या होता है cos अल्फा, पढ़ के आए हम। m क्या होता है cos बीटा, और n क्या होता है cos गामा। ये होंगे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ये इस लाइन के क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। एंड एक बात और, ये हम पहले से ही जानते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा बना रही है तो उसके डायरेक्शन वही होंगे, एल क्या होगा कॉस अल्फा के इक्वल, वाई एम क्या होगा कॉस बीटा के इक्वल, और एन क्या होगा कॉस गामा के इक्वल, राइट। एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज वन, वही वेक्टर वाली प्रॉपर्टी। बच्चों इस लाइन के मान लो डायरेक्शन कोसाइन आ गए, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आ गए, डायरेक्शन कोसाइन आगे मान लो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है इसके सपोज 1/3, 1/√3, 1/√3, 1/√3 आ जाते हैं। मैंने वैसे ही अज्यूम कर लिए, कुछ भी हो सकते हैं बट मैंने वैसे ही अज्यूम कर लिए कि ये है। मान लो इन डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल कोई भी तीन नंबर, कोई भी तीन नंबर, जैसे कि सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/√3, 2/√3, 2/√3, ठीक है। इन डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल कोई भी तीन नंबर, 5 -5 से मल्टीप्लाई कर दो,
माइनस फाइव बाई रूट थ्री, माइनस फाइव बाई रूट थ्री और माइनस फाइव बाई रूट थ्री, या कोई और नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो इन डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल, ये इसके पर, ये नंबर इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ये दिस अपॉन दिस निकालोगे तो क्या आएगा, टू आएगा, वन बाई टू आ जाएगा, या टू आ जाएगा, जो भी उल्टा करोगे तो टू आ जाएगा, वैसे करोगे तो वन बाई टू, दिस अपॉन दिस करोगे तो भी वन बाई टू आ जाएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो, ठीक है। तो ये तीनों नंबर नीचे वाले तीनों नंबर्स के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है, और वो रेशियो क्या है हाफ, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल, ये पेन के लिए था बेटा, किसे पूछ के पेन के गया, स्कूल पे अप्लाई कर दिया, तो स्कूल का राजू क्यों पेन के गई है। डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल कोई तीन नंबर, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल कोई तीन नंबर क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस आर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल कोई तीन नंबर क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियो, करेक्ट। तो ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होते हैं, ऊपर वाला डायरेक्शन कोसाइन है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे देख लो और भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं डायरेक्शन रेशियो, मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से, नए डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था अबाउट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ओके, कोसाइन ऑफ दैट एंगल्स डायरेक्शन कोसाइन होगी, एंड डायरेक्शन कोसाइन मिल गए, डायरेक्शन कोसाइन सॉल्व करेंगे कुछ आ जाएंगे, उनके प्रोपोर्शनल कोई भी तीन नंबर क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से फाइंड कर सकते हैं, कैसे, जैसे एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, दिस इज एक्स वन वाई वन जेड वन, दिस पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, जिसका डायरेक्ट जिसके कोऑर्डिनेट क्या, एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग परीक्षित, परीक्षित याद है बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी क्या होंगे भाई, कैसे निकालते हैं, लाइन अगर दो पॉइंट से पास करती है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी आर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। इस लाइन के आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गए, अगर ठीक है चलो बाद में बताता हूँ, कर लोगे, अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, देन डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आर, अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, फुटबॉल खेल के आ रही लड़ते नहीं सर, लग सकते ही रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। फुटबॉल ही खेल के आई, स्कूल में फुटबॉल खेला जा सकता है। अगर लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, ए बी सी, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, तो एक बार अगर आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गई, कैसे भी मिल गई, आप उससे डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हो, ठीक है। तीन नंबर मिल गए, जैसे तीन नंबर आपको मिल गए, वन टू और थ्री मिल गए, या आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे मिलेंगे, आप क्या फाइंड करोगे, वन स्क्वेयर टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर, ठीक है, ये मिल जाएगा, कितना आ गया, नौ और चार तेरह, रूट फोर्टीन। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे, डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे भाई, वन अपॉन रूट फोर्टीन, टू बाई रूट फोर्टीन, थ्री बाई रूट फोर्टीन। डायरेक्शन रेशियो मिल गए तो आप डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हो, ठीक है। जोलू पिक्चर।
जल्दी सर, एक मिनट में लिख रही हूँ। चलो चलो जल्दी देखो। ठीक है, ठीक चल रही है लाइफ ऐसी सवाल। ओके जी चलो आओ आगे। ठीक है डायरेक्शन कोसाइन, हम अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है, लाइन अगर दो पॉइंट से पास करती है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो अगर हमें पता है लाइन के कुछ भी है ए बी सी है मान लो, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन क्या होगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो या लिखो भी a1 कॉमा b1 कॉमा c1। टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियो a1 कॉमा b1 कॉमा c1 या फिर डायरेक्शन कोसाइंस l1 m1 एंड n1, l1 m1 और l1 एंड a2 b2 c2 और डायरेक्शन कोसाइंस l2 m2 n2 l2 m2 n2 आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ। पैरेलल कब होंगी ये लाइन, अगर a1 अपॉन a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। दो लाइन है, अगर उनके डायरेक्शन रेशियो क्या है प्रोपोर्शनल है तो वो लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी। और l1 अपॉन l2 is equal to m1 अपॉन m2 is equal to n1 अपॉन n2। अगर डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल है तो लाइंस क्या होंगी, मतलब तीनों होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई दो हो जाए, नहीं तीनों होने चाहिए। ठीक है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल है तो लाइन पैरेलल होगी। एंड आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ a1 ऑफ a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0 है तो ये लाइन कैसी होगी परपेंडिकुलर होगी। a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0 है तो लाइंस कैसी होगी परपेंडिकुलर। और क्या कह रहे l1 l2 डॉट प्रोडक्ट हो गया तो ऐसे m1 m2 प्लस m1 n2 इज इक्वल टू 0। बेसिक तो वही है वही से आता है। ठीक है एंड नेक्स्ट वीक अगर दो लाइन है उनके डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक ये लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है। अच्छा डायरेक्शन रेशियो पे या डायरेक्शन कोसाइन पे कुछ नहीं लगाओगे, ब्रैकेट कॉमा ब्रैक बस ये इनके बीच में कॉमा लगाना है और कुछ नहीं लगाना। कुछ लोग इनको ऐसे लिखते हैं हाँ, और डायरेक्शन कोसाइंस में भी कुछ लोग ऐसे लिखते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है या फिर आपको लिखना है l1 कॉमा n1 कॉमा n1 ऐसे लिखना है। दूसरी लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और c2 है। ठीक है या फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या है l1 l2 m2 और n2 है। ठीक है
तो ये कंडीशन होगी पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल तो ऊपर वाली कंडीशन है, परपेंडिकुलर है तो नीचे वाली कंडीशन। ठीक है, एक ये लाइन है ए बी, एक लाइन है बी सी, एक लाइन क्या है ए बी, एक लाइन है बी सी। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है ए वन बी वन सी वन, और इसके डायरेक्शन रेशियो है ए टू बी टू सी टू। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है ए वन बी वन सी वन, और एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए टू बी टू सी टू है। ठीक है, एंड एंड ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। मतलब दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो, दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, और उनमें कोई एक पॉइंट कॉमन हो, और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है और एक लाइन ए और बी से पास करती है, ए और बी दो पॉइंट है। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है, उनसे कोई लाइन पास करती है एल वन, कौन सी एल वन। बी और सी भी कोई दो पॉइंट है और उनसे एक लाइन पास करती है एल टू लाइन। ठीक है, लाइन पास कर रही है एल टू लाइन, सेगमेंट नहीं है ये। ठीक है, और उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देन इस केस में देन अगर ऐसा है, एक बार बताओ भी ये लाइन इसके पैरेलल है और बी पॉइंट कॉमन है दोनों में है, पर ऐसे कैसे हो सकता है, बी यहां है या यहां है, कोइंसाइड। ये केस तभी पॉसिबल है जब बी पॉइंट और सी पॉइंट आगे ऐसे हो। ठीक है, सी पॉइंट आगे हो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। देखो पैरेलल थोड़ी ना हो, देन 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 मैंने ये कहा कि लाइन बस डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, दो लाइन है ए और बी, मतलब एल वन और एल टू, एल वन ए बी से पास करती है, एल टू बी सी से पास करती है, और उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते तो लाइन पैरेलल होती है, फिर दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई, बट दो पैरेलल लाइंस में एक पॉइंट कॉमन कैसे हो सकता है, कॉमन तो हो ही नहीं सकता, देन कैसे पॉसिबल है ये, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो एक सेम स्ट्रेट लाइन है, जब वो एक ही स्ट्रेट लाइन है तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो दो ही केस में प्रोपोर्शनल होते हैं, या तो वो एक ही लाइन के डायरेक्शन रेशियो तब इक्वल टू वन वन आ जाएगा ये सब, या फिर वो दो डायरेक्ट दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो पर दोनों लाइन पैरेलल हो। अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो बी पॉइंट दो जगह तो हो नहीं सकता, तो पैरेलल वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। पॉसिबिलिटी क्या बची कि सी पॉइंट उसी डायरेक्शन में आगे कहीं पर है, आगे हो या पीछे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ए बी पे ही सी पॉइंट है भाई, ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है। देन ए बी सी आर, ए बी सी आर, ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब ए बी सी पॉइंट कोलिनियर है तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ आया, चलो आगे। तो ये था एक्सरसाइज, निकालो देखो पहला पॉइंट क्या है। तो हमने तीन चार चीजें पढ़ी हैं, एक तो अगर कोई लाइन डोलमा एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है, एंगल क्या बना रही है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, और ये लाइन है वेक्टर नहीं है, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, एल होगा कॉस अल्फा, एम क्या होगा कॉस बीटा, और एन क्या होगा कॉस गामा। और हमें ये पता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज वन। ठीक है, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है, ए पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, बी पॉइंट क्या है एक्स टू वाई टू जेड टू, तो ए बी के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो होंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन होंगे। और अगर किसी आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है ए बी सी, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, एल क्या होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एम क्या होगा, और एन क्या होगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एन है, ये एम है। ठीक है, और क्या बताया मैंने, अगर दो लाइन है उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, ए वन बी वन सी वन,
और उनमें अगर एक कोई कॉमन पॉइंट है तो वो फिर क्या होंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये चार पांच चीजें मैंने बताई हैं, बहुत सिंपल बेसिक सी चीजें हैं। क्वेश्चन बताओ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 35 90 और मेन तो प्लेन का ही क्वेश्चन होता है, प्लेन के हर क्वेश्चन में नया फॉर्मूला होता है, पूरी एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन है प्लेन में, उसकी हर एक्सरसाइज में नया फॉर्मूला होता है। 23 क्वेश्चन है उसके लिए। प्लेन के पहले क्वेश्चन को ही समझाने में आधे से पूरा घंटा लगता है। बोलेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में ही उसको समझाने में 45 मिनट के अराउंड टाइम लगता है। इतना कॉन्सेप्ट उसके पीछे। चलो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ये लाइन मेक्स एंगल, लाइन क्या कर रही है? एक लाइन क्या कर रही है? एंगल बना रही है x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ। x एक्सिस यार कितना एंगल बना रही है? 190। y के साथ 135। z एक्सिस के साथ 45। तो अल्फा हो गया 90 डिग्री। अल्फा कितना हो गया? 90 डिग्री। सिया जिया रिया। बीटा कितना हो गया? 135 डिग्री। और गामा कितना हो गया? ये टेस्ट के दिन जो जो बच्चे बीमार हो गए थे वो जरा अपना नाम बताना मुझे। मम्मी से टेस्ट तो देना है, आप तो ठीक हो गए। कब? कल दे दो। कल स्कूल तो नहीं जा रही तू? मैंने सुना है, मैंने अखबार में आया था कल दिया, स्कूल नहीं जा रही है। कितना मजेदार स्कूल है तुम्हारा। घर वाले गए हुए थे शादी में तो नानू बोला था कि जब तक घर बैठो। नहीं तो घर भाग जाएगा। नहीं सर, रिया के घर के साथ, रिया के घर के साथ ये तो प्रॉब्लम है ना। नहीं सर, लुढ़कने लग जाता है जैसे घर पे नहीं हो। ना भाई आते थे कभी खाने, कहीं से कुछ आ रहा है कभी कहीं से कुछ। ये अल्फा बीटा गामा दिया भी, एल कितना हो गया? कॉस अल्फा, यानी कि कॉस 90, कॉस 90 जीरो। एम कितना हो गया? कॉस बीटा, यानी कि कॉस ऑफ 135। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? विराज माइनस cos थीटा, माइनस cos 45। ठीक है, माइनस cos 45 माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2। एंड एग्जाम आईडी ले लो भी सभी। cos गामा कल से डेली एक एक एक्सरसाइज करके आ रहे हो उसकी एग्जाम आईडी पर। आरडी तो कर लो पहले, आरडी करने का टाइम तो गया बेटा। कॉस गामा, कॉस गामा, कॉस गामा कितना होगा भी? जैसे 45 1 बाय रूट 2 कॉस 45, कॉस 45 1 बाय रूट 2। ठीक है, एलएमएन आ गए हमारे पास। ठीक है, एलएमएन आ गए, बस ये निकाल लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? Find direction of cosine of the line which make equal angle with quadrant axis. एक लाइन के डायरेक्शन को साइन निकालने हैं जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, ये भी अल्फा इज इक्वल टू थीटा, बीटा इज इक्वल टू थीटा और गामा इज इक्वल टू थीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दिया है तो सबको थीटा के इक्वल अज्यूम कर लो। लेट सारे एंगल इक्वल दिए ना तो सबको थीटा के इक्वल अज्यूम कर लो। एल क्या आएगा भी? कॉस थीटा। एल क्या आएगा? कॉस अल्फा होता है ना, लेकिन अल्फा तो किसके बराबर है? थीटा के। ठीक है, एम क्या होगा? ये भी कॉस थीटा। और एन क्या होगा? ये भी कॉस थीटा। एल एम एन सब कॉस थीटा के इक्वल होंगे, समझ गए। एंड एक खास प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइंस की, कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 के इक्वल। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहां से क्या आएगा? एल की वैल्यू डाल दो कॉस स्क्वायर थीटा, एम की भी वैल्यू डाल दो कॉस स्क्वायर थीटा और एन की भी वैल्यू डाल दो कॉस स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू वन, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री, राइट। कॉस थीटा क्या आ गया बच्चों यहां से, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है। एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू हेलो हेलो ठीक है भी समझ आया, एलिमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो, कितना हो गया 320 माइनस 18 का स्क्वायर 320 और 12 का स्क्वायर 144 16 कितना आ गया 484 पक्का तो 22 आ गया, ठीक है। 484 आएगा तो कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। अब L क्या आएगा, L होगा A अपॉन, मान लो आर है, इसको आर कह देता हूँ, एल ए अपॉन आर, एम क्या होगा बी अपॉन आर, एन क्या होगा सी अपॉन आर, एल हो गया 12 माइनस 18 बाई 22, हाँ 12 बाई 22 माइनस 4 बाई 22, और क्या लिख सकते हो माइनस 9 बाई 11 6 बाई 11 माइनस 2 बाई 11, ठीक है। एक बार आंसर देखो पीछे कौन सा दिया है, नीचे वाला, ठीक है, हो गया समझ आया ये, yes। सम बड़े सीधे सीधे हैं बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, एक बार वो बन गई समझ में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है बस थोड़ा सा दल में परेशान लगे, मैंने मिलना नहीं आ रहा ना, मैं स्कूल से आई थी भी आपने मिला लिया, चलो आ जाओ अर्बन आंटी को फोन लगा के चाहिए तो चिप्स चाहिए तो अर्बन आंटी को फोन लगाओ, चार पैकेट चिप्स ले जाओ, वो कहेंगे 300 से कंप्लीट डिलीवरी भी नहीं बुझाते, कोई ना जब पार्टी करते हैं कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से और चिप्स ही बुला चाहिए उसे, डन मंगवाओ भी चले भी आते में लिखेंगे 603 और 603 भी लिखेंगे क्या होगा आपको जैसे कि रह गए तो चुका देंगे जिंदगी रह गए तो चुका देंगे शो दैट पॉइंट्स आर कॉलिंग है, तीन पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, अभी तो बहुत जिंदगी है तब तक तो उधार लगा ही देंगे, यानी तो चली वैसे तो आदमी अगले सेकंड का नहीं पता होता, क्लेम इतने बड़े बड़े कर लेता है यानी किसी को अगले सेकंड का नहीं पता पर इंसान क्लेम इतने बड़े बड़े कर देता है, घर ले लेंगे आपका कब्जा कर लेंगे घर पे, कोई ना मैं तो मर गया देखी जाएगी
फिर आपने लोन लेने का फायदा क्या हुआ? ऐसे ही आप खुद ही नहीं है, आप खुद ही नहीं है तो फिर लोन लेने का फायदा क्या? बंद करना लोन लेके वो पैसे बैंक में लगा दूंगा, छुपा दूंगा। वो लोन ऐसे नहीं देते, लोन किस चीज के लिए देते हैं? पर्टिकुलरली अरे बैंक से नहीं लूंगा ना, आप लोगों को ये लगता है जिंदगी उस लोन से कहीं ज्यादा कीमती है, ठीक है, और आप सस्ते से लोन के पीछे जिंदगी को मतलब ऐसे कौन लोन देने वाले भाई? ठीक है, एक इंसान क्या लोन ले लेगा? एक करोड़ ले लेगा, दो करोड़ ले लेगा, तीन करोड़ लोन ले लेगा, चार सौ करोड़, ठीक है, चार सौ करोड़ लोन लेने वाले मरना नहीं चाहते, चार सौ करोड़ लोन लेने वाले मरना नहीं चाहते, ठीक है, वो लंदन भाग जाते हैं, ठीक है, एबीसी मरना वही चाहता है कि जो 50 लाख लोन लेता है, ठीक है, 50 लाख लोन कौन लेगा? आम आदमी लेगा, ठीक है, 400 लोन लेने वाले तो लंदन भाग जाते हैं। एनीवे एडीसीआर 3 पॉइंट्स दिए बच्चों, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। बच्चों ए बी से जो लाइन पास करेगी उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बताओ जरा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर, बोलो दिस माइनस दिस, करो माइनस, इसमें से ये माइनस करो, माइनस थ्री आई कैप, माइनस आई कैप की जरूरत नहीं है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, माइनस बोलो दिस माइनस दिस करो, माइनस फाइव, माइनस फाइव, दिस माइनस दिस करो, माइनस थ्री, माइनस थ्री, ठीक है, कैसे निकाले हैं? एक्स टू माइनस एक्स वन से, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, सही डायरेक्शन रेशियोज, हाँ, ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ऐसे तो निकालने सिखाए पीछे, देख सेकंड बार पासिंग थ्रू बी एंड सी, ठीक है, पहले ए बी निकाल लेना, पहले ए बी सी तो निकालो, पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी, ये क्या है, फिर प्रूव करेंगे, एक दूसरे ऊपर पा देंगे, दिस इज ए वन बी वन सी वन, ठीक है, इससे क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बी सी, बी सी से दिस माइनस दिस, सिक्स माइनस टेन, सिक्स माइनस दिस माइनस दिस, टेन दिस माइनस दिस, टू थ्री फोर, बी क्या है, वन माइनस टू वन, वही तो कर रहे हैं, माइनस दिस माइनस टू वन, यही तो किया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, वही तो किया है, ठीक है, नाउ नाउ ए वन अपॉन ए टू बताओ कितना आएगा, माइनस वन बाई टू, बी वन अपॉन बी टू बताओ कितना आएगा, माइनस वन बाई टू, सी वन अपॉन सी टू क्या आएगा, मतलब चैप्टर तो मुश्किल है, चैप्टर तो मुश्किल है, आकाश कंफ्यूज है, मतलब चैप्टर तो मुश्किल है, मुझे भी डर लग रहा है, है ना, BC लाइन क्या है, अभी BC देखना क्या है, B क्या है, 10 B है माइनस वन माइनस टू वन, BC क्या है भाई देखना, BC से जो लाइन पास करती है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 5 8 7, AB से जो लाइन पास कर रही है, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियो वो है, BC से जो पास कर रही है वो ये है, This implies a one upon a two किसके बराबर है, b one upon b two के बराबर है, c one upon c two के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, a b is parallel to b c, a b b c की क्या है, parallel है, but b is common point, b तो common point है, direction ratio जब proportional आ जाते हैं तो lines parallel होती हैं, तो a b b c के साथ क्या है, parallel है, but b is common point, B is common point.
ये कॉमन पॉइंट है, दिस इंप्लाइज ए कॉमा. अगर दो पैरेलल लाइन में एक कॉमन पॉइंट हो तो समझ जाया करो कि पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है. ए बी सी आर कॉलिनियर, ठीक है, ए बी सी कॉलिनियर है. बात सबको कम समझ आया. चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दी है, सब लोग अपने आप करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन ट्राइंगल दी है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ. 3, 5, -4. 3, 5, -4. बी पॉइंट बताओ. -1, 1, 2. सी पॉइंट बताओ. -5, -5, -2. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकालो, सभी लोग निकालो, और फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी निकालो. निकाल के दिखाओ सर. इक्वल टू नहीं लिखना है, इसके आगे इक्वल टू नहीं लिखना है. डायरेक्शन रेशियो ए बी निकालोगे क्या करोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन करो. क्लास में यही किया है लोगों ने. तो आवाज आ रही थी. अरे वो तो अलग करता है, वो क्या कहते हैं, ड्रॉप अलग कर रहे हैं. मैं तो अलग मेरा वो अलग बोर्डर की सब करना है ना. पहले हमने अभी क्या करना है, निकाल के काम किया है. अच्छा पर साइड का निकाल डायरेक्शन भैया मैं तो गलत तो था यार, शोर आगे वाली लड़की को ही समझ आ रहा था, पीछे तो एक बार नहीं मुझे देखा उसने. अरे ठीक है, सुन लिया. ओके चलो, डायरेक्शन कोसाइन निकले. डायरेक्शन रेशियो बताओ. -4, -2. -4, -4, -4, -6. डायरेक्शन कोसाइन -4, -2 by root 17 -2 by root 17 और 3 by root 17. ये निकालो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एसी निकालो. डायरेक्शन रेशियो ऑफ एसी सो -4, -6, -4 क्या आ रहे हैं. AC -8, -2, -10, +2. डायरेक्शन कोसाइन निकालो एसी के. -8 by root 168, -10 by root 168. कितना आएगा. 2 root 42 -10 by 2 root 42
और 2 by 2 root 46 और 4, 5, -1 है पीछे क्या फोर फाइव माइनस वन मतलब हमारा साइन उल्टे आ रहे हैं उससे पहले नहीं फर्क पड़ता डायरेक्शन पे डिपेंड करता है आपने आपने एसी निकाला उन्होंने सीए निकाल दिया हाँ, मैंने भी सीए निकाला था आपने एसी निकाला है यस हेलो तीसरी साइड का निकालोगी डायरेक्शन रेशियो बीसी -4, -6, -4 -4, -6, -4 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बीसी -4 by root 6 दोनों कैसे शांत है निकाले कौन नहीं कुछ बोल नहीं -2 by root 17 -3 by root 17 and again -2 by root 17 ये पुराना हो गया चिप्स मारने वाला तो मैंने तो भी सुना तू तंग कर उसको मैं वो 10th वाले बोलते रहते 2-3 महीने पहले सर 10th वाले कुछ ज्यादा तेज है हाँ खास कर एक दो सही बात है तो ये तो उसको भी खाओ तो ठीक है ओके भी अगली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तीन लाइन दी हुई है एक के डायरेक्शन कोसाइन क्या है बताना 12 by 13 दूसरी एक लाइन है L2 और उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या दिए हुए हैं 4 by 13 ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी शुरू हो गई 11.2 ठीक है हाँ बोलो 4 by 13 12 by 13 3 by 13 ठीक है और इसके डायरेक्शन रेशियो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं L2 M2 और N2 अज्यूम कर लेते हैं इनको नेक्स्ट आएंगे L3 3 - 4 12 by 13 3 - 4 3 by 13 - 4 by 13 - 4 by 13 12 by 13 ठीक है दिस इज इक्विवेलेंट टू L3 M3 N3 ठीक है भाई तीन लाइन है उनके डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 इनटू N2 इनको फाइंड आउट करो कितना आएगा भी देखो हाँ कितना हो जाएगा 48 by 169 प्लस -36 by 169 डॉलमा कितना होगा -12 by 48 - 48 डॉलमा जीरो हो गया इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 12 by 169 नहीं समझ आया नहीं आया कितना हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा अभी -12 - 169 कितना आया 48 by 169 माइनस का भी 48 ही हो गया दिस इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट जीरो है और जब दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट जीरो हो तो लाइन परपेंडिकुलर होती है ये पीछे मैं आपको लिखवा के आया हूँ इसका मतलब हुआ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 L1 लाइन और L2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है इसका मतलब ये हुआ L1 लाइन L2 लाइन के साथ पैरेलल है परपेंडिकुलर है
ठीक है नेक्स्ट क्या से अच्छा करूंगा क्या करने व्यक्ति हाँ भाई क्या आएगा एल वन एल थ्री एम वन एम थ्री प्लस में एन वन एन थ्री बताओ एल वन एल थ्री एम वन एम थ्री एन वन एन थ्री बताओ क्या आएगा बोलो एल वन बा ट्वेल्व को थ्री से मल्टीप्लाई करो 36 अपॉन 169 इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 12 अपॉन 12 आएगा ओके माइनस का 48 अपॉन 169 तो ये भी क्या आ गया जीरो आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ एल टू इज परपेंडिकुलर टू एल थ्री ठीक है नेक्स्ट एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल थ्री तीसरे वाले में यही ऐसे ही दिखा दो ना इफ एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू एंड एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल थ्री एल टू ये करो भाई नहीं सर एल टू एल थ्री एम टू एम थ्री प्लस एन टू ठीक है 12 बाई अरे दिखा दो यार क्या से निकाल दी फिर माइनस का 48 जो सर प्लस जीरो आ गया दिस इंप्लाइज एल टू इज परपेंडिकुलर टू दिस इंप्लाइज एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू एल टू इज परपेंडिकुलर टू एल थ्री एंड एल थ्री इज परपेंडिकुलर टू एल वन ठीक है समझ आया सीरी है बिल्कुल नहीं उठाएगी तो मैं तो उतर बिल्कुल नहीं उठाता सी है बिल्कुल नहीं देता दोलमा का राज का उतना दो मिनट उधर मुड़ना कुछ बोरिंग चैप्टर है जरा भी नहीं है सीआर टू ये सीआर टू टू वन कौन है वन वन सीआर टू सीओ टू सीआर टू सीओ टू डीओ टू ओए मैं उसकी बुक खराब कर रहा हूँ जहाँ बैठता है उसको तो नहीं करना चाहिए लगता है लड़का चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलो एक सेकंड बस स्कूल वालों का फोन आया तो मैंने सुना सर हमारे प्रैक्टिकल हो रहे हैं सोचते हैं सबके होते हैं फिर नहीं होंगे नहीं हमारे सुपर डम है ना नहीं हमें क्या दिसंबर में बुलाया है पूरे हमें कल लैब कोट्स वगैरह भी दिए हैं इन्होंने कि प्रैक्टिकल करने हैं यूनिफॉर्म कितने दिन के प्रैक्टिकल है अभी कुछ वो इन्फॉर्मेशन आएगी अभी तो कल सामान देके गए सारे मैथ्स की लैब मैनुअल मिली है कि मतलब ये सारे के इतना बड़े-बड़े डब्बे ले रखे हैं इन्होंने लैब और सब सर नाइट ले इतना होता है चलाती नहीं झूठे दिन में दो बार पोस्ट पार्टी भाई चले जाओ
कौन से क्वेश्चन पे था? हाँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, एक ए दिया है एक बी दिया है, बताओ ये क्या है? ए पॉइंट बताओ क्या है? माइनस टू सर, आंसर बता रहा हूँ, वन माइनस वन, वन वन माइनस टू, वन वन, वन माइनस वन टू, वन माइनस वन टू, हाँ, थ्री फोर माइनस थ्री फोर माइनस टू, एक लाइन बी सी है, दूसरी लाइन क्या सी डी, सी डी के डायरेक्शन रेशियो बताओ, क्या पैरेलल प्रूव करना है? परपेंडिकुलर, तो फिर ऐसे ही बना लो, परपेंडिकुलर ही बना लो, ऐसे ही बना लो, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, सी के डायरेक्शन रेशियो, सी के कोऑर्डिनेट बताओ, जीरो थ्री टू, जीरो थ्री टू, डी के कोऑर्डिनेट बताओ, थ्री फाइव सिक्स, अच्छा ये करो, डायरेक्शन रेशियो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग के बजाय पासिंग लिखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, सर माइनस टू माइनस फाइव प्लस टू, पासिंग थ्रू ए एंड बी, ए बी से जो लाइन डायरेक्ट पास कर रही है उसका डायरेक्शन रेशियो बताओ, थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन टू, दिस माइनस दिस फाइव, दिस माइनस दिस माइनस फोर, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बी एंड सी, सी सी डी दे लो, सी डी सी डी सॉरी सी एंड डी बताओ भी, रिया बता कैसे निकलेंगे, डी दिस माइनस दिस थ्री थ्री कॉमा दिस माइनस दिस टू दिस माइनस दिस फोर, युवराज एकाध बार उठी मजाक करता है, डायरेक्शन रेशियो दिस माइनस दिस कितना आ गया, टू आ गया, दिस माइनस दिस कितना आ गया, फाइव आ गया, दिस माइनस दिस माइनस का फोर आ गया, अब ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू, मतलब ये क्या है, ये क्या है भाई, ये ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन है, ये क्या है, ए टू बी टू और ये सी टू है, ठीक है, निकालो जरा, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू निकालो, कितने आएंगे, कितने, सिक्स प्लस टेन माइनस सिक्सटीन, सिक्स प्लस टेन माइनस सिक्सटीन, फोर्थ क्वेश्चन, कैसी बात कर रही है भाई, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लाइन की इक्वेशन फॉर्म करो जो इस पॉइंट से जा रही है, तो जैसे सिक्स प्लस टेन माइनस सिक्सटीन कितना आ गया, जीरो आ गया, नहीं डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जीरो आ गया, दिस इंप्लाइज ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, जब कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जीरो आ जाए तो लाइंस क्या होती है, जी परपेंडिकुलर, से कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो, पता नहीं उसे देखो, सेकंड थर्ड वाला देखो, बताओ दो लाइन बताओ, ए बी बताओ, ए पॉइंट बताओ बी पॉइंट बताओ, बोलो ए, फोर सेवन एट, फोर सेवन एट, एक पॉइंट ए दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, फोर सेवन एट, बी पॉइंट बताओ, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, टू थ्री फोर, ठीक है, दूसरी लाइन सी और ये डी, सी के कोऑर्डिनेट बताओ, माइनस वन माइनस टू वन, माइनस वन माइनस टू वन, डी के कोऑर्डिनेट बताओ, वन टू फाइव, वन टू फाइव, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी क्या होंगे भाई बताओ, दिस माइनस दिस माइनस टू, दिस माइनस दिस, बोलो बोलो बोलो, पांच, दिस माइनस दिस माइनस टू माइनस फोर, शिया थ्री माइनस सेवन सर माइनस फोर, बहुत लेट बता रहा है, दूसरे वाले में माइनस फोर, नहीं आ रहा तो नहीं आ रही, माइनस फोर, माइनस फोर, मैथ ही कमजोर है, और दूसरे में टू फोर नजर होता है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाईसवें साल तक ठीक हो जाएगी, बाईस साल हो गए, बाईसवें साल मतलब 2000, अरे सर कोई साल हो गए यार, तेरे को नहीं पता, किस साल हो गए पढ़ाते हुए,
19 हुए 19 चलो सर 3 साल के बाद दे डायरेक्शन रेशियो 3 साल की मेहनत है तो उसको बोलेंगे कौन कर जाते हैं एंजल में तो हो जाता है सी एंड डी सी एंड डी मतलब तुम्हारी एज से ज्यादा हो गया कोई ना फिर तो बच्चे हो सी एंड डी बताओ भाई बताओ क्या है दिस माइनस दिस क्या होगा पैर लग रहा है किसका अब मैं अपनी चेयर के नीचे रखूंगी मेरे को कह रहा है आगे कर ले मैंने रखने की क्या बात है थोड़ा तो उसमें पीछे बहुत फैला रखे हैं तुमने 2 4 कितना आएगा अभी 2 4 4 चेक करो A1 upon A2 B1 upon B2 नहीं नहीं चेक करो पहले A1 upon A2 कितना आया दिस अपॉन दिस माइनस वन B1 upon B2 क्या आएगा दिस अपॉन दिस माइनस वन C1 upon C2 क्या आएगा माइनस वन सब बराबर आ गए ना दिस इंप्लाइज A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 इज इक्वल टू C1 upon C2 इक्वल आ गए इसका मतलब क्या हुआ लाइंस आर पैरेलल मतलब जो ए बी से लाइन पास कर रही है और जो सी डी से पास कर रही है लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी आर पैरेलल ठीक है फोर्थ वाले के लिए बैठ चुप हो जा इसको ऐसे कर ले एक पॉइंट को एक्स वाई जी ले लो फिर उसके अंदर अरे एक सेकंड बताना ही ऐसे एक पॉइंट एक्स वाई जी ले लो फिर उससे जो पॉइंट के बना उसका वेक्टर निकाल